हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में दो तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब दोस्तों, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ही सेफ और सिक्योर है और पिछले कई सालों से ये लगातार ग्रो करते जा रहा है। इसीलिए लोग निफ्टी की तुलना में बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप खुद जानते होंगे ट्रेडिंग एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा रिस्की होती है। जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं उनको भी बहुत बार अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो दोस्तों, जो लोग नए होते हैं तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूं जिसके अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो रिस्क के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस ट्रेड के अंदर रिस्क एंड रिवॉर्ड के जो लेवल्स होते हैं वो प्रीसेट होते हैं। मतलब दोस्तों, जब आप ट्रेड लेंगे तो आप कितना रिस्क उठाने के लिए तैयार है वो भी आपको सेट करना होगा और कितना रिवॉर्ड आपको चाहिए वो भी आपको सेट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर रिलेटिव इनको रेफर करते हैं तो आपको ₹50 मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपके रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करता है तो उसको ₹75 मिलते हैं। मतलब दोस्तों, दोनों का फायदा होता है, आपको ₹50 मिल जाते हैं और जिसने अकाउंट ओपन किया उसको ₹75 मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं उस प्लेटफॉर्म का नाम है मार्केट वुल्फ। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ₹100 से भी ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के लेवल सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको यह सेट करना होगा कितना लॉस होना चाहिए। अब दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने सेट कर दिया कि इतना ही लॉस होना चाहिए तो मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, लोगों को कितना भी लॉस हो जाए, लेकिन आपको उतना ही लॉस होगा जितना आपने सेट किया था। इसके अलावा दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, इसके अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं होगी, अकाउंट ओपनिंग कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों, साथ ही साथ में आपके स्टार्टिंग के जो 3 ट्रेड होंगे अगर उनमें लॉस भी हो जाता है फिर भी आपको ₹50 का कैशबैक मिलेगा। अब दोस्तों, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग के 3 ट्रेड किए जिसमें से 2 प्रॉफिट हुए एक लॉस हुआ, तो आपको ₹10 एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 50 + 10 हो जाता है ₹60। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग के 3 ट्रेड किए और तीनों में आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको ₹15 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 60 और 15 हो जाता है ₹75। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है वो बिगनर और सीजनल ट्रेडर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है, वो इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। वैसे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपनी चॉइस के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्शन, अमाउंट, ये सारी चीजों को चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप किस में ट्रेड करना चाहते हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, यूएसडी में, INR में। इसके अलावा दोस्तों, आप किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड। इसके अलावा आप कितने अमाउंट का ट्रेड करना चाहते हैं, ये सारी चीजें आप अपने चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे और कैसे आप अपना अकाउंट इस एप्लीकेशन के अंदर बना पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहां पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन दिया गया है, आपको सिंपली इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना होगा। और जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद में आपको क्लिक करना होगा ओपन के ऊपर। जैसे आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे फिर ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में लोड होगी। फिर दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ट्राई प्रैक्टिस ट्रेडिंग, एक्सप्लोर ऐप एज अ गेस्ट, ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको तीसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा, ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहां पर एक पिन सेट करना होगा, तो कोई भी 4 डिजिट का पिन आप यहां पर एंटर कर सकते हैं। सो मैंने पिन एंटर कर दिया। उसके बाद में दोस्तों, जो पिन आपने एंटर किया होगा उसको आपको री एंटर करके कंफर्म करना होगा। सो मैं यहां पे एक बार फिर से एंटर करके इसको कंफर्म कर देता हूं। फिर दोस्तों, आपके सामने ये पर्सनल डिटेल की स्क्रीन आ जाएगी, सबसे पहले आपको यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना होगा। तो चलिए मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पे एंटर कर देता हूं। उसके बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे फिर दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों, आपको यहां पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना होगा। ये दोनों डिटेल एंटर करने के बाद में आपको फिर से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों, आपको यहां पे अपना ईमेल आईडी एंटर करना है। सो मैंने मेरा ईमेल आईडी यहां पे एंटर कर दिया। और उसके बाद में दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी भेजा गया है। चलिए मैं एंटर करके इसको वेरीफाई कर देता हूं। वेरीफाई करने के बाद में दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहां पे मुझे मेरा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। सो मैंने मेरा पैन कार्ड नंबर यहां पे एंटर कर दिया। उसके बाद में दोस्तों, आपको यहां पे फादर्स नेम और मदर्स नेम एंटर करना होगा। सो मैंने मेरे फादर का नाम और मदर का नाम यहां पे एंटर कर दिया। उसके बाद में दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहां पे मुझे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी, जैसे कि मेरा जेंडर क्या है, उसके बाद में मैरिटल स्टेटस क्या है, एनुअल इनकम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस क्या है। तो सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपली मुझे क्लिक करना होगा नेक्स्ट के ऊपर। फिर दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे मुझे मेरा परमानेंट एड्रेस एंटर करना होगा। सो मैंने मेरा एड्रेस एंटर कर दिया और साथ ही साथ में मेरा पिन कोड भी यहाँ पे एंटर कर दिया।
उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने बैंक डिटेल्स की स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे मुझे मेरा बैंक का अकाउंट नंबर एंटर करना है और आईएफएससी कोड एंटर करना है। सो दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपली मुझे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है ब्रोकरेज इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर मुझे सिंपली क्लिक करना होगा नेक्स्ट के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ ई साइन योर अकाउंट इज बीइंग क्रिएटेड प्लीज कंप्लीट द लास्ट स्टेप। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रिव्यू नाउ के ऊपर। जैसे मैं रिव्यू नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है और यहाँ पर मेरा पूरा फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं चाहूँ तो पूरे फॉर्म को अच्छे से देख सकता हूँ। पूरा फॉर्म देखने के बाद में सिंपली मुझे क्लिक करना होगा प्रोसीड के ऊपर। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे मुझे ओटीपी एंटर करना होगा। सो ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद में मुझे सिंपली क्लिक करना होगा प्रोसीड के ऊपर। जैसे ही मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेस सिग्नेचर, तो मुझे सिंपली यहाँ पे साइन करना होगा। सो मैंने अपना साइन यहाँ पे कर दिया और उसके बाद में दोस्तों मुझे क्लिक करना होगा प्रोसीड के ऊपर। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने एक छोटा सा पॉपअप आ चुका है, यहाँ पे सिंपली मुझे चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। और जैसे मैं चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ चुका है साइन डॉक्यूमेंट, तो मुझे उसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट साइन, द डॉक्यूमेंट हैज बीन साइन सक्सेसफुली, और आपको ओके पे क्लिक करना होगा। और उसके बाद में दोस्तों आपका जो अकाउंट है वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, उसके लिए कुछ समय लगेगा। और दोस्तों एक बार जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद में आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरा अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है तो मैं आपको ट्रेडिंग करके भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मुझे सिंपली सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर पिन की स्क्रीन आ चुकी है, तो यहाँ पे मुझे वही पिन एंटर करना होगा जो स्टार्टिंग में मैंने सेट किया था। सो मैं पिन यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं सेट पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, तो मुझे यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। और पासवर्ड सेट करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है जो ट्रेडिंग की स्क्रीन है, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लिखा हुआ रिलायंस, HDFC, TCS, Google, तो अगर इन सबको आपको हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और में ट्रेड करना चाहते हैं तो सिंपली देखिए ऊपर की तरफ एक ऑप्शन दिया गया है W लिस्ट और प्लस का साइन दिया गया, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये भी लिखा हुआ है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना होना चाहिए और साथ ही साथ में आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना होना चाहिए। सो दोस्तों आप अपने अकाउंट के बैलेंस के हिसाब से या फिर जितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये जो चार्ट है वो 60 मिनट का चार्ट है। अगर आप एक महीने का देखना चाहें तो 1 एम पे क्लिक करना होगा, अगर आप 5 दिन का देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, 2 दिन का देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, 1 दिन का चार्ट देख सकते हैं, 60 मिनट का देख सकते हैं, 15 मिनट का देख सकते हैं, 5 मिनट का देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जितने भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहते हैं आप सिंपली यहां से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप इस चार्ट को कैंडलस्टिक में देखना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी दिया गया है, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा, फिर आपका जो चार्ट होगा पूरा कैंडल में बदल जाएगा। मैं फिर से यहां पे लाइन पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऐड फंड्स पे क्लिक करना होगा और ऐड फंड्स पे क्लिक करने के बाद में आपको पैसे डिपॉजिट करने होंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आप गूगल पे के थ्रू पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट है 1 रुपीज, मतलब दोस्तों आपको कम से कम 1 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा। पैसे डिपॉजिट करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी, आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस टू ट्रेड और आपका टोटल बैलेंस कितना है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में डिटेल्स का ऑप्शन दिया गया है, एड फंड्स का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की तरफ अमाउंट लिखा हुआ है और बैलेंस रिक्वायर्ड लिखा हुआ है 100 रुपीज, मतलब कम से कम 100 रुपये चाहिए अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए, आप 100 रुपये का ट्रेड कर सकते हैं, 200 का कर सकते हैं, 500 का कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप नीचे की तरफ देख सकते हैं रिवॉर्ड एंड रिस्क का रेशियो भी दिया गया है और नीचे आपको डायरेक्शन दी गई है, आपको चूज करना होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको सिंपली ग्रीन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं एनालाइजिंग ओवर 2000 ऑप्शंस, ये स्क्रीन आ चुकी है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्लेस ट्रेड का, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशियो को सेट करना होगा। मुझे यहाँ पे 100% रिवॉर्ड चाहिए जिसके लिए मैं 20% रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। उसके बाद में दोस्तों सिंपली मुझे डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं डन के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है एनालाइजिंग ओवर 2000 ऑप्शंस और ये स्क्रीन यहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली क्लिक करना होगा प्लेस ट्रेड के ऊपर। जैसे आप प्लेस ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ और आपको कितना रिटर्न मिला है। अभी फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में दिखाई दे रहा है, -12.50,
-15, -6.25, -8.75, अभी यहाँ पे माइनस में है लगातार, मैं कुछ समय वेट करता हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ समय वेट करने के बाद में हमारा जो ट्रेड है वो प्लस में जाने लगा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, +32.50 हो चुका है, +38 हो चुका है, +41 हो चुका है, +43 हो चुका है। तो दोस्तों इस ट्रेड को मैं स्टॉप करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली स्टॉप ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जैसे ही मैंने स्टॉप ट्रेड के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं साइड में यहां पे ट्रेड समरी आ चुकी है, इसमें सारी डिटेल दी गई है, मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कितना मुझे रिटर्न हुआ, कितना मेरा प्रॉफिट है और कितना इसमें से ब्रोकरेज कटा वगैरह वगैरह सारी चीजें आ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने ये स्क्रैच कार्ड भी आ चुका है, इसको जैसे ही मैंने स्क्रैच किया मेरा 50% ऑफ हो चुका है, जो भी ब्रोकरेज लगा होगा उसका आधा ही मेरा ब्रोकरेज लगेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने चॉइस के हिसाब से और बजट के हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में ट्रेड करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आप लोगों के लिए मार्केट वुल्फ एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है, आप भी अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे और ट्रेडिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।